सूट कलेक्शन, ये पहला ऐसा वीडियो होगा, ब्लॉग होगा, जो जिसमें मैं अपना अनस्टिच सूट कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी, शो करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले फैब्रिक के साथ, ये प्योर कॉटन में है, और इसके साथ जो है ये शिफॉन का डबल शेडेड दुपट्टा है ना। तो जैसे अब आगे आगे समर्स आ रहे हैं तो उसमें काफ़ी अप्रोप्रिएट रहता है ये पहनने के लिए। और इसका जो ये वाला फैब्रिक है ऑरेंज और ब्लू में, ये है कुर्ती का और ये है सलवार पैंट, जो भी जिस तरीके से स्टाइल। इन्हें मेरे पास एक ग्रीन कलर का सूट, ये ओवरऑल ग्रीन कलर में है, इसमें कोई और शेड नहीं है। और ये सारे फैब्रिक्स हैं जो मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। और इसका इस तरीके से फ्रंट है पूरा, इस पे थ्रेड वर्क है पूरे में, और बॉटम में कुछ इस तरीके से ये बॉर्डर दिया हुआ है छोटा सा, और ये भी कॉटन में है, प्योर कॉटन में। और इसका दुपट्टा देखेंगे तो दुपट्टा भी काफ़ी कंफर्टेबल है, इस तरीके से है। इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन दिया है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन के साथ, तो कंट्रास्ट में दिया है दुपट्टा इसका। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया है, कुछ भी ऑनलाइन नहीं है सब। इसमें इस तरह की फ्रंट में लटकन है, दो लटकन है, और ये इसका गला है। और पूरे में इसी तरीके का थ्रेड वर्क है, और ये है बॉटम। और इसके कुर्ते का कपड़ा मैंने आपको शो कर दिया है, और ये है सलवार का कपड़ा इसका प्लेन। ये है कुछ मैरून कलर है, ये रेड दिख रहा है लेकिन कैमरे में मैरून कलर है इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन। और इसका दुपट्टा भी कुछ इस तरीके से, इसका फैब्रिक कॉटन नहीं, कुछ अलग सा है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये ओढ़ने में, टिक जाएगा सर के ऊपर भी, और वैसे भी काफ़ी अच्छा है, टू शेडेड है इस तरीके से। तो गया ये है, तो ये पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, इसमें जरी का काम है पूरे में। और ये है इसका बॉटम, ठीक है। और इसमें ना ये छोटे छोटे पूरे में बूटियाँ हैं, तो मैं इसको अगर स्टिच कराऊंगी जब भी, तो मैं कराऊंगी करवा चौथ के आसपास, अगर मैंने कुछ और प्लान नहीं किया पहनने का या कुछ भी, तो मैं इसको तब। अगर इसके दुपट्टे की मैं बात करूँ तो उसका दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडर्ड है, इसके यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लेस लगाई हुई है, और जरी वर्क है इसमें भी पूरे में, बीच बीच में भी जरी वर्क दिया हुआ है इस तरीके से। ये सूट स्टिच होना था अभी, मतलब अभी जो विंटर्स गए हैं तब, लेकिन मैं करा नहीं पाई इसको स्टिच। ये भी बहुत सुंदर सूट है, इसके साथ ही इस तरीके की पिक्चर आई है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये इस तरीके से इसका डिज़ाइनिंग दी हुई है, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। और अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की, तो दुपट्टा इसका ऐसा है, और इसमें भी प्रिंट है थोड़ा थोड़ा, और ये इस तरीके से इसमें लटकन टाइप। ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ जो कलर, वो है येलो, तो ये येलो सूट में लेकर आई थी अभी सुकरात पर, बट ये स्टिच कराना था अभी, बट देखते हैं अभी स्टिच कराऊंगी सो इसको या नहीं। और ये इसका फैब्रिक जो है जॉर्जेट में है ये, और ये इसका गला है, इसमें इस तरीके से बटन्स दिए गए हैं, और पूरा ये प्रिंटेड प्लस थ्रेड वर्क में, इसमें बीच बीच में थ्रेड वर्क भी हो रखा है, और इसका बॉटम ऐसा। और ये सूट जो लेने का रीज़न था ये था, इसका कलर एंड इसका दुपट्टा है ना, तो इसका दुपट्टा आप देखो कितना खूबसूरत है। इसको मैं आपको बेयर करके दिखाती हूँ, तो कुछ ऐसा है, मतलब मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ इसको स्टिच कराने के लिए, बट देखते हैं कब करा पाऊँगी। फॉर श्योर बहुत जल्दी आपको मैं इस सूट को स्टिच करा के दिखाऊँगी, क्या स्टाइलिंग कराऊँगी क्या नहीं, वो सब आप देखना।
कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा इन सूट कलेक्शन में सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा। देखो मेरा तो जो है फेवरेट है येलो वाला, जिसकी नेक्स्ट फिटिंग है ये वाला सूट। तो मैं क्लियरली बता दूँ, मैं सबसे पहले यही वाला सूट अगर स्टिच कराती हूँ तो यही कराऊँगी, अदरवाइज बाकी देखते हैं किस सूट को किस तरीके से स्टाइल कराना है, धीरे धीरे करके करा लूँगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना सबसे अच्छा सूट आपको कौन सा लगा। मैं सही कह रही हूँ ना, येलो वाला ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे नोटिफिकेशन आ जाता है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको अपडेट होती रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है या जो देखते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।